हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये क्या है कि सबसे पहले जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो आया था, उसने इस साइनोबैक्टीरिया को अंडर एल्गी दे दिया था। लेकिन क्या है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोट्स होता है। ये प्रोकैरियोट्स होता है, तो इसी वजह से इसको मोनेरा के अंदर डाल दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको एक बात बताई यहां पे कि इसको हम ब्लूग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। दूसरा, शुरुआत में इसको एल्गी के अंदर रखा गया था, लेकिन ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो इसको किसके अंदर रख दिया गया था? मोनेरा के अंदर रख दिया गया था। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है मोनेरा, इसकी अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं, तो हैबिटेट का मतलब होता है कि भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है उसको हम उसका हैबिटेट बोलते हैं। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये एक्वेटिक भी होता है, टेरिस्टल भी होता है। एक्वेटिक का मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कहां पे रहता है, वाटर के अंदर रहता है, उसको हम एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। उसकी जो लैंड पे रहता है उसको हम उसका टेरिस्टल हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट का मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। ठीक है, तो ये एक्वेटिक भी होता है और टेरिस्टल भी होता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्या होता है कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी होता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ऑटोट्रॉप्स होता है ये, तो इसी वजह से इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस करता है ये, तो उसके रिएक्शन ऑक्सीजन का लिबरेशन करता है। क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बाई प्रोडक्ट सल्फर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये इनका जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये, इसलिए इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर फिलामेंट भी हो सकती है। ठीक है, और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर फिलामेंटस के, नॉस्टॉक, और एनाबीना। ये तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, तो जब स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया की बात आती है, तो इसके अंदर हम पहले यूनिसेलुलर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम सेल वॉल बोलते हैं।
और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट सेल वॉल और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो इसकी प्रोटेक्शन करती है, जिसको हम जिलेटिन लेयर भी बोल सकते हैं उसको। तो ये क्या होती है, यहां पे एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है तो इसकी प्रोटेक्शन करती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और इस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन को हम बोलते हैं जिलेटिन लेयर, जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस की बनी हुई होती है। जिलेटिन सीट भी बोल सकते हैं इसको, और ये म्यूसिलेज सब्सटेंस की बनी होती है, ये जेली टाइप होता है, जैसे गम होती है जेली टाइप में होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो पैक्टिक सब्सटेंस की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लाइपोप्रोटीनस इन नेचर होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये तो हो गया इसका प्रोटेक्टिव लेयर जिसके बारे में बात की हमने। तो इसके आउटर मोस्ट के अंदर तो हमें क्या मिला है, इसके अंदर जिलेटिन सीट होती है जो इसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, इसकी जिलेटिन कैप्सूल भी बोल सकते हो आप। इसके अंदर सेल वॉल और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जैसे अंदर की तरफ जाते हैं हम, तो अंदर की तरफ हमने एक स्ट्रक्चर बनाई है ये वाली, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, ठीक है। ये लैमिलेजोम्स होता है, तो लैमिलेजोम्स क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है, जैसे हमने यू बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा था, तो एक लैमिलेजोम्स पिक्चर बनाती है, ठीक है। उसके अंदर हमने मीजोसोम्स पढ़ा था, इसके अंदर लैमिलेजोम्स होता है। तो जो लैमिलोजोम्स है ये, तो ये साइट प्रोवाइड करता है इसके लिए फॉर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। तो उसके अंदर एनर्जी लिबरेट होती है, जिसको कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज करता है, जिसके अंदर वो प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो लैमिलोजोम्स है ये एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि बनता है मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन से,
मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरलाइजेशन चेंजमेंट आता है और उसकी वजह से कुछ अलग बन जाता है उसके अंदर, तो उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो मॉडिफिकेशन की वजह से लैमेलोसोम्स बनता है जो कि साइट प्रोवाइड करता है फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या होता है कि ये पोजीशन जो होती है इसको हम पेरिफेरल पोजीशन बोलते हैं और ये जो पोजीशन होती है इसको हम सेंट्रिक पोजीशन बोलते हैं। तो इस पेरिफेरी की तरफ थाइलेकोइड्स होते हैं यहां पे, इस टाइप से ये थाइलेकोइड्स होते हैं यहां पे जो टुवर्ड्स द पेरिफेरी होते हैं। थाइलेकोइड के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके कि थाइलेकोइड वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पिगमेंट्स इसके अंदर क्लोरोफिल ए इसके साथ साथ क्लोरोफिल बी भी हो सकता है, जेंटोफिल भी हो सकता है, कैरेटनॉइड भी हो सकता है। कैरेटनॉइड इस येलो कलर, जेंटोफिल ऑरेंज कलर या रेड कलर, ठीक है, और ये ग्रीन कलर। तो जो फोटोसिंथेसिस ये करता है वो यहां पे होता है थाइलेकोइड के अंदर। ठीक है, थाइलेकोइड के बारे में हम आपको काफी डिटेल के अंदर बता चुके हैं कि थाइलेकोइड क्या होता है, जब हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसके अंदर आया था कि थाइलेकोइड क्या होता है। तो सेम वही थाइलेकोइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है और उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल और कैरेटनॉइड। कैरेटनॉइड येलो कलर का होता है, जेंथोफिल ऑरेंज रेड कलर का होता है, क्लोरोफिल ग्रीन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज क्या आती है कि जो थाइलेकोइड जो होता है उसकी आउटर सरफेस पे फाइकोबिलिसोम्स होते हैं। इस टाइप से ये फाइकोबिलिसोम जो है ये थाइलेकोइड की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, सभी थाइलेकोइड्स पे, और ये काम करते हैं कि जो सन की लाइट को ट्रैप करता है ये साइनोबैक्टीरिया, उसमें ये हेल्प करते हैं थाइलेकोइड की। ठीक है, तो एक प्रकार से वर्कर होते हैं ये किसके, थाइलेकोइड। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज बात यहां पे क्या आती है कि इसके अंदर देखो यहां का जो साइटोप्लाज्म जो है इसका एक साइड से जो पेरिफेरी की तरफ इसका जो लिक्विड है मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, कलरफुल होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू सेंटर, और ये थोड़ा सा येलो कलर का होता है। ठीक है, तो ये जो येलो कलर का होता है इसको हम क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं, थोड़ा सा कलरफुल होता है, ये डिफरेंट कलर का भी हो सकता है क्योंकि यहां पे थाइलेकोइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका तो ये वाला जो टुवर्ड्स द पेरिफेरल पोजीशन जहां पे जो मैट्रिक्स होता है इसको, ये स्पेसिफिक मैट्रिक्स होता है जिसको आप क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं। तो क्रोमोप्लाज्म जो है मैट्रिक्स होता है जो टुवर्ड्स द पेरिफेरल पोजीशन की तरफ होता है, इसको हम क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं। और जो सेंटर की तरफ जो मैट्रिक्स होता है इसका लिक्विड जो है तो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है उसको हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि इसके पास स्यूडो वैक्यूल्स होती है,
ठीक है। वैक्यूल्स का काम आपको पता ही, कुछ स्पेसिफिक चीजें जो है इसके अंदर जो एक प्रकार से ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होती है, जिसको आप जिसको हम साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ये साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स जो होती है ये एज ए फूड स्टोरेज होती है, यानी जो फूड को स्टोरेज करती है उसको हम साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। इसके अलावा क्या है कि इसका जो डीएनए होता है वो नेकेड टाइप का होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो अब्सेंट होती है। जो डीएनए है इसका ये नेकेड टाइप का होता है, और इस नेकेड डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जो इसका जेनेटिक मटेरियल्स होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये थी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया की ये स्ट्रक्चर थी, इसको हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं हल्का सा। देखो साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा है कि आउटर मोस्ट जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है लेयर पे, जो एक प्रकार से म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जेली टाइप में होता है, जिसको हम जिलेटिन सीट बोलते हैं, जिलेटिन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और ये जिलेटिन जो कैप्सूल्स होता है ये इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अंदर सेल वॉल होगी, इसकी सेल वॉल यहाँ पे बाइलेयर्ड होती है, बाइलेयर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे की जो सेल वॉल है वो बाइलेयर्ड है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वो डबल मेम्ब्रेनस होगी, ठीक है। उसके बाद अंदर इसके सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो थोड़ी सी हल्की सी मॉडिफाइड हो जाती है लैमिलोसोम्स के अंदर, और लैमिलोसोम्स जो होता है ये साइट प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर की तरफ जाते हैं तो इसके जो पेरिफेरी जो पोजीशन है, इस पेरिफेरी पोजीशन पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब थाइलेकोइड्स बनाए हमने, ये वाले थाइलेकोइड्स जो होते हैं इसके अंदर पिगमेंट्स होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल या कैरोटीनोइड्स हो सकते हैं। ये पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लियर। तो इन थाइलेकोइड्स पे फाइकोबिलिसोम्स होते हैं जो कि सन के रेडिएशन को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं थाइलेकोइड की। तो ये वाला जो होता है इसका पेरिफेरी जो पोजीशन है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स पाया जाता है हम उसको फाइकोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो होता है ये हल्का सा कलरफुल होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स की वजह से, ठीक है। और उसके सेंटर के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक है। उसका जो डीएनए होता है वो नेकेड डीएनए होता है, और जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि एज ए फूड स्टोरेज काम करते हैं। कुछ सूडोवैक्यूल्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो ट्रू टाइप के नहीं होते। उसके अलावा उसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स आपको पता है कि प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, और ये राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं 70S टाइप के होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 70S और 80S दो टाइप के पाए जाते हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर 80S और इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S के पाए जाते हैं। ये थी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई एक स्पेसिफिक हमने बात की थी नॉनस्टॉक और एनाबिना के बारे में, इसके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। ये तो यूनिसेलुलर था, हम बात करते हैं कि भाई जो फिलामेंटस टाइप का जो हमारे पास था, फिलामेंटल स्ट्रक्चर, एग्जांपल नॉनस्टॉक, ठीक है। तो इसकी जो नॉनस्टॉक की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस एनसीईआरटी के अंदर स्पेशल मेंशन किया गया है इसको,
इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है, फिलामेंटस किसी भी टाइप में हो सकता है ये, ठीक है। और इसके बाहर वही म्यूसिलेजिनस सीट होती है, जब म्यूसिलेजिनस कैप्सूल प्रेजेंट होता है इस टाइप से, ठीक है। इसके अंदर हम स्पेसिफिक चीज क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे इसलिए बनाया गया है इसको, कि इसके अंदर कुछ सेल स्पेसिफिक होती है जिसको हिट्रोसिस्ट बोलते हैं इस टाइप से, इन सेल्स को हम हिट्रोसिस्ट बोलते हैं, कंप्लीट सेल को हिट्रोसिस्ट बोला जाता है। तो हिट्रोसिस्ट क्या करता है कि इसके अंदर थाइलोकोइड्स वगैरह या तो रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, थाइलोकोइड्स हमने यूनिसेलुलर जो बनाया था साइनोबैक्टीरिया उसके अंदर थाइलोकोइड्स प्रेजेंट था, इसके अंदर थाइलोकोइड्स जो होता है या तो रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलेगा या अब्सेंट होगा। तो ये हिट्रोसिस जो होती है स्पेसिफिक सेल्स होती है जो नॉर्मल सेल्स से थोड़ा सा बड़ी होती है ये, और ये हिट्रोसिस जो होती है इसका काम क्या होगा, इसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये हिट्रोसिस करती है, ठीक है। और नॉस्टॉक और जाइनाबीना है, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है साइनोबैक्टीरिया की वो पाया जाता है प्लांट की रूट्स से होती है, उसके अंदर जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है ये क्या होती है ये थोड़ा सा कलर अगर होता है ना तो इसका येलो कलर की होती है थोड़ी सी हिट्रोसिस, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो प्रोसेस होता है कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को चाहिए तो होती है, आपको पता है लॉ क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा आपने, लेकिन नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जो कि प्लांट इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इसी वजह से इसको तोड़ना पड़ता है यानी डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर बदलना पड़ता है इसको, ठीक है। जैसे अमोनिया के अंदर हो गया, नाइट्रेट के अंदर हो गया, तब प्लांट जाके उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल बनाने के लिए उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में, डायनाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए उसको डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर बदला जाता है, और वो काम करता है ये साइनोबैक्टीरिया जो कि जिस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो ये था साइनोबैक्टीरिया के बारे में, सॉरी फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया जो है। इसके बाद एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसके अंदर, एल्गल ब्लूम, ये कोई भी पॉन्ड वाटर है, ठीक है, और इस पॉन्ड के अंदर आपने अपर लेयर पे ग्रीन कलर की एक लेयर देखी होगी, ठीक है, जो कि एक्सेस ग्रोथ ऑफ द साइनोबैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। ये पॉन्ड वाटर था, और पॉन्ड वाटर के अंदर आपने कभी तालाब के अंदर गए होंगे आप तो आपने देखा होगा कि, या फिर कुछ स्टैंडिंग जो वाटर होता है उसके अंदर गए होंगे तो वो जो वाटर होता है उसकी सरफेस पे बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो जब एक्सेस ग्रोथ हो जाती है उनकी तो उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया की जब एक्सेस ग्रोथ होती है तो एक लेयर बना देते हैं वो ग्रीन कलर की, जिसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक एल्गल ब्लूम क्लियर होगा, व्हेन द एक्सेस ग्रोथ ऑफ द साइनोबैक्टीरिया ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज देन द ग्रीन कलर अपीयरेंस दैट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसके थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, त
और रिप्रोडक्शन इसके अंदर एसेक्सुअल टाइप का भी होता है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन होता है वो बाइनरी फिजन होता है, कि जिसके अंदर सिंगल जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो टू साइनोबैक्टीरिया के अंदर टूट जाता है, और ये बाइनरी फिजन जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाइनरी फिजन से होता है। दूसरा क्या होता है कि हिट्रोसिस्ट जो होती है, हिट्रोसिस्ट की हमने बात करी थी कि एक थोड़ी सी एनलार्ज सेल होती है अलग सी, तो उसका हम हिट्रोसिस्ट बोलते हैं। और ये हिट्रोसिस्ट जो होती है ये थोड़ी सी जब जर्मिनेट करती है तो न्यू फिलामेंट बनाती है। ठीक है, मेट्रोसिस्ट के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेट्रोसिस्ट जब जर्मिनेट करती है, कुछ कंडीशंस के अंदर मेट्रोसिस्ट जर्मिनेट कर जाती है और नया फिलामेंट बना देती है। ठीक है, उसके अलावा एक अकाइनेट्स होता है इसके अंदर। अकाइनेट्स का मतलब होता है कि इसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो अपने अंदर मुसिलेज को भर लेती है, ठीक है, फूड वगैरह को एक्युमुलेट कर लेती है और फिर जर्मिनेट कर जाती है। और जब ये जर्मिनेट करती है तो क्या बनता है, न्यू फिलामेंट बनता है। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल के डिफरेंट टाइप थे। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा गया है, जो कि जेनेटिक मटेरियल्स के ट्रांसफर की वजह से होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, हाई क्लासेस के अंदर पढ़ोगे इसके बारे में। तो लोअर क्लासेस के अंदर मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये तीन टाइप से ही होता है इसके अंदर, बाय द काइनेट फॉर्मेशंस, बाय द हेट्रोसिस्ट और बाय द बाइनरी फिजन, जो कि मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं। तो आज हमने पढ़ाया साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया आई थिंक जितना इंपॉर्टेंट था वो करा दिया हमने। थैंक्स फॉर टुडे।